नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में रविवार को 16 वर्षीय साक्षी का मर्डर कर दिया गया है। सामने की तस्वीरों में देख पा रहे होंगे नीली शर्ट में साहिल नाम है आरोपी का, और वो सर कुचल देता है। मतलब बच्ची को 21 बार 15 वर्षीय बच्ची को चाकुओं से गोदता है। इसके बाद वो पत्थर उठा करके उसका मुंह कुचल देता है, 5 से 6 बार पत्थर चलाता है। फिर जब वो थोड़ी देर के बाद जब बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद फिर से 30 सेकेंड में वापस आता है और फिर से पत्थर मारता है। इस तरीके की हत्या दिल्ली में लगातार जारी है। अभी हाल में ही श्रद्धा कांड हुआ, उसका इंसाफ नहीं हो सका, फिर से एक बेटी शिकार हो गई। इसमें कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता ने लव जिहाद का मामला बताया है, और कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के दौरान ही इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया जाता है। कपिल मिश्रा के इस बयान से कई लोग इसको जातिवाद से लेकर देख रहे हैं इस मामले को, और पुलिस खुद परेशान है। और जिस समय मर्डर हो रहा था, जो कैमरे में तस्वीरें आई हैं, क्या आसपास लोग नहीं थे? जो बच्ची की मौत हो रही हो, क्या उसने चिल्लाया नहीं होगा? लेकिन फिलहाल किसी भी व्यक्ति ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आपकी क्या सलाह है, आपका क्या कमेंट है, हमें ज़रूर करके बताइए। क्या दिल्ली सरकार की ये कमियां हैं? क्यों नहीं योगी मॉडल पूरे देश में लागू होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में माफिया से लेकर रेपिस्ट से लेकर थर थर कांपने लगते हैं? क्यों नहीं हो सकता है दिल्ली में ऐसा? लेकिन ऐसा ना होने की वजह से आरोपियों को और भी ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं, और वो सच ऐसी चीज़ों को अंजाम दे देते हैं कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वाइस किंग 24 मीडिया, अनु त्रिपाठी। ये जो है इसके आदमी भैया छोड़ कर चले आएंगे तो 20-22 तारीख तक, फिर हम घर आ जाएंगे। जी मैम, स्कूल जाती हूँ। मैम स्वभाव तो उसका ठीक ही ठाक था। नहीं मैम, मैं मुझे नहीं पता। बहुत बुरी हालत थी मैम, देखने लायक नहीं बॉडी थी। अभी तो मैम मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसे करने की हिम्मत ना ले। मैम मैं मजदूरी करता हूँ। मैम मेरे पास 2 बच्चे थे, एक वो लड़की थे, एक लड़का।